अगर आप भी अपने बेडरूम, किचन या फ्रिज के ऊपर या घर में कहीं भी दवाइयां रख देते हैं तो हो जाएं सावधान और देखिए कालचक्र, क्योंकि आज का कालचक्र सिर्फ आपके लिए है। चलिए अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन दिशाओं की जहां आपको भूल कर भी दवाइयां नहीं रखनी चाहिए। पंडित जी, कौन सी वो दिशाएं हैं, वो डायरेक्शन हैं जिनमें दवाइयां हमें भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए? देखिए, ऐसा है, जिन लोगों ने दक्षिण पूर्व दिशा में दवाई रखी है, माने साउथ ईस्ट में जिस डायरेक्शन में किचन होना चाहिए, अगर उस डायरेक्शन में आपने दवाई रखी है अपने घर के, तो वो दवाई भी आपको भोजन की तरह इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। जैसे बिना भोजन का जीवन निर्वाह नहीं होता है, वैसे ही बिना दवाई के जीवन निर्वाह नहीं होगा। और बुरी बात यह है कि वो दवाइयाँ आप पर असर नहीं करेंगी, बस आप उनको मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए खा तो लीजिए, लेकिन आपको राहत नहीं मिलेगी, आराम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में रखी हुई दवाइयाँ हैं। लंबे समय के लिए आपको दवाई सेवन करना पड़ सकता है अगर साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में आप दवाई रखते हैं तो, और अगर साउथ अर्थात दक्षिण दिशा में दवाई रखी है जो यम की दिशा है, तो आप विश्वास करिए दवाई खाना आपकी आदत हो जाएगी। सचमुच में चाहे आपको अच्छी नींद आ जाए, लेकिन आपका मन कहेगा कि बिना नींद की गोली खाए नींद नहीं आएगी। ऐसे में आप छोटी छोटी तकलीफ में भी दवाई लेना पसंद करने लगेंगे। पश्चिम और उत्तर, जिसको कहते हैं वायव्य कोण, जिसे वायव्य कोण कहते हैं, वहां भी दवाई नहीं रखनी चाहिए। इससे आप पर दवाई का बेहतर असर नहीं होगा। उत्तर पश्चिम दिशा में रखी दवाई आपके शरीर को अपना आदि बना देगी। लेकिन हाँ, एक बात जरूर इसके साथ जोड़ना चाहूँगा, अगर दवाई कोई चल रही है और रोग आपका ठीक हो गया है और कुछ दवाइयाँ बची हैं, वो दवाइयाँ एक डिब्बे में करके अगर उत्तर पश्चिम दिशा में आप रख दें, तो विश्वास करिए घर से वो दवाई भी गायब होगी और ये रोग भी जिंदगी भर के लिए आपसे गायब होगा। क्योंकि पश्चिम उत्तर का जो कोण है वो उच्चाटन का स्थान है। वहाँ अगर कोई निवास करेगा तो उसका मन हर समय उच्चाटित रहेगा। वहाँ कोई अगर निवास करेगा तो वो प्रसन्न नहीं होगा। वहाँ अगर कोई निवास करेगा तो उसके संतान नहीं सुखी होंगे। ये कोण तो बनाया गया है वास्तुशास्त्र के हिसाब, ओखली, चलनी, मूसल, सील और कूटने की चीज़ें, काटने की चीज़ें, जांत, चक्की, ये सब लगाने की चीज़ें। और कभी अगर नाराज हो गए तो एक बेड उस कमरे में रखना चाहिए, वहाँ आप नाराज होकर सो जाइए, ताकि घर वालों को पता लगे कि आप नाराज हो गए हैं। कैकेयी जब नाराज हुई थी तो राजमहल में जो कोप भवन था उसी कोप भवन में जाकर सोई थी। जब राजा दशरथ ने कैकेयी को नहीं देखा तो लोगों से पूछा कि कैकेयी कहाँ है, तो सबने बताया कि कोप भवन में आज गई हैं। कभी तो कोप भवन में नहीं गई थी, पहली बार कोप भवन में गई थी, तो राजा दशरथ भी कोप भवन में गए। उसके बाद क्या कहानी हुई आप सबको पता है। तो कहने का मतलब, घर में भी आप ऐसा सिग्नल दे दीजिए कि आप खुश हैं या प्रसन्न हैं, नाराज हैं या संतुष्ट हैं, ये बात होती है। तो कोप स्थान जो है, अगर वहाँ दवाइयाँ रख भी दी जाएँ तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ वहाँ से दवाई उठा के सेवन मत करिएगा। लेकिन अगर वहाँ आप दवाई रख देते हैं तो दवाइयों का आपके घर से उच्चाटन हो जाएगा, दवाइयाँ आपके घर को सलाम कर लेंगी और आप वैसे भी स्वस्थ रहेंगे। तो देखिए, हमने उन दिशाओं के बारे में बात की जिसमें दवाइयां आपको नहीं रखनी है, लेकिन हम उन दिशाओं की भी बात करेंगे जहां दवाइयां रखने से आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। पंडित जी से हम इसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं अजमेर से। बहुत स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। नमस्ते पंडित जी। हेलो। हाँ बोलिए। नमस्ते पंडित जी, मेरा नाम नितिका शर्मा है। क्या नाम है? और मेरा नितिका शर्मा। अच्छा। और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15 जनवरी 1988 जी। और डेट ऑफ प्लेस है मेरा रात के 9:05। नीतिका नाम है आपका?
हाँ जी नीतिका जी, ठीक है। हाँ जी, तो मुझे अपनी जॉब के बारे में पूछना है। 2014 में मेरी शादी हुई थी, तब से लेकर मैं कोई जॉब में कुछ कर नहीं पा रही हूँ, उससे रिलेटेड मुझे पूछना है। और दूसरा कि हम अपना घर कब तक खरीद पाएंगे। चलो नीतिका, सबसे पहले मैं बेटा बताता हूँ तुम्हारे नौकरी के बारे में। सूर्य और मंगल की स्थिति परस्पर पंचम नवम बनी हुई है, निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि तुम्हें नौकरी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी नौकरी मिलने में 6 से 9 महीने तक का समय लग सकता है। आपको मन लगा करके टीचर बनने के दिशा में प्रयास करना चाहिए, और या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो लेखपाल होते हैं, ग्राम सेवक होते हैं, ऐसे पदों पर भी आपको अप्लाई करना चाहिए। नौकरी आपको मिलना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने घर के बारे में प्रश्न पूछा है, तो चंद्रमा से चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल, सूर्य से परस्पर पंचम नवम है, घर तो आपका बनेगा ही, लेकिन अभी विलंब है। 17 जनवरी 2023 से लेकर के 28 मार्च 2025 के बीच में आपके घर का शुभारंभ होगा। पंडित जी, आपने ये तो बताया कि घर में कहां दवाइयां हमें बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, अगर हम उन जगहों पर उन दिशाओं में दवाइयों को रखते हैं तो इसका हम पर नेगेटिव असर होता है। तो अब उन दिशाओं के बारे में भी बताइए जहां दवाइयां रखने से हम बीमारी से बहुत जल्दी रिकवर हो सकते हैं। देखिए, दवाई रखने के लिए सबसे अच्छी दिशा है उत्तर पूर्व दिशा, लेकिन वो पूजा घर न हो। उत्तर पूर्व का वो कोना जहाँ पूजा घर हो या देवी देवता स्थापित हो, वहाँ न रखिए, क्योंकि ये मैग्नेटिक एनर्जी से दवाइयों का अच्छा असर तो बढ़ाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर उत्तर पूर्व दिशा में पूजा स्थान के अगल बगल आपने दवाई रख दिया, तो आपके लिए पूजनीय वंदनीय हो जाएगा, मतलब वो आपके उपयोग की वस्तु हर समय बन जाएगी, सेहत में जल्दी सुधार आएगा। दवाई रखने के लिए पूर्व दिशा भी फायदेमंद है। ये पूर्व दिशा दवाई रखने के लिए सबसे अच्छी दिशा है। पूर्व उत्तर दिशा में भी दवाई रखी जा सकती है, लेकिन अगर पूजा स्थान उससे और हटकर हो तो। दक्षिण पश्चिम दिशा में भी आप चाहें तो दवाई रख सकते हैं, लेकिन वो दवाई सिर्फ गृहस्वामी की होगी, परिवार के दूसरे सदस्यों की नहीं। घर का जो मुखिया होगा उसकी दवाई घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखी जा सकती है, लेकिन साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में भी एक छोटा सा स्टूल नॉर्थ वेस्ट के कोने में कमरे में लगा करके उसके ऊपर दवाई रखना चाहिए, और दवाई बेड से ज़्यादा ऊंचाई पर न रखी हो, इस बात का भी ध्यान देना चाहिए। पश्चिम दिशा में भी दवाई रखने से शरीर में पॉजिटिविटी दिखाई देती है, लेकिन जस्ट अगर ये वेस्ट का डायरेक्शन हो तो। उत्तर दिशा में भी दवाई आप अगर चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन सामूहिक पूरे परिवार की दवाई तो उत्तर दिशा में नहीं रखी जा सकती। जो लोग बीमारी में एलोपैथिक दवाई लेते हैं, जो आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं, या जो देसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी इन दवाइयों को घर में कहाँ रखें, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अलग अलग दवाइयों को घर में कहाँ रखना चाहिए? देखो, एलोपैथिक दवाई हमेशा आपको पश्चिम दिशा के अलमारी में रखना चाहिए, अंदर, जब जरूरत हो तो निकालिए। और एलोपैथिक टॉनिक अगर लेते हैं तो उसे आप दक्षिण पश्चिम दिशा में रखिए। आयुर्वेदिक टॉनिक है तो उसे आप उत्तर पूर्व दिशा में रख सकते हैं। जड़ी बूटियां अगर लेते हैं तो उनको पूर्व दिशा के मध्य भाग में आपको रखना चाहिए। ऐसी दवाइयां जो अभी काम में नहीं आ रही हैं लेकिन आगे आ सकती हैं, उनको पश्चिम दिशा के मध्य भाग में ही रखना चाहिए। ऐसी कोई दवाई ले रहे हैं जिसका कोर्स लंबा चलेगा तो उनको उत्तर पश्चिम दिशा में ही आपको रखना चाहिए, ताकि उसका उच्चाटन हो जाए और निश्चित तिथि से पहले ही रोग समाप्त हो जाए और दवाइयों से आपको निजात मिल जाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।